ये प्रोग्राम चला हुआ है आज गांव त्रैमड़ में, 31 दिसंबर का प्रोग्राम चला हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज 2022 का लास्ट डे है। आज जो हमारे घर में पार्टी है, मेरे बड़े ब्रदर का आज नहीं पर कल बर्थडे है, तो आज फिर हम न्यू ईयर की पार्टी भी दे रहे हैं घर पे। न्यू ईयर की पार्टी भी है और फिर बर्थडे पूजन जो है वो कल है। तो आज का मेरा जो ब्लॉग रहेगा वो बेसिकली इसी पे रहेगा, घर पे जो पार्टी है उस पे कैसे एंजॉय करते हैं, तो उसी पे बेस्ड रहेगा। तो अभी ये देखिए, अभी शाम की पार्टी के लिए यहाँ पे सब्जियों वगैरह की कटाई हो रही है। ये देखिए सब्जियाँ वगैरह कट रही है धूप में। ये गोभी पड़ी है यहाँ पे, अभी चटनी का प्रबंध हो रहा है। चटनी के लिए धनिया साफ कर रहे हैं। सारे लोग सब्जियां काट रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। पूरी गप्पे चल रही है धूप में। अभी हमने ये दालियां बॉईल करने के लिए डाल दी है यहाँ पे चूल्हे में। कत्ती मार्च का प्रोग्राम है। साथ में जन्मदिन, कत्ती मार्च का नहीं है बड़का, 31 दिसंबर का है। साथ में जन्मदिन भी है। बताओ क्या क्या है? 31 दिसंबर, हाँ, साल का एंड, हाँ, है ना, बहुत अच्छा होता है, हाँ, और आने वाला साल भी बहुत अच्छा बनता है, हाँ, उससे। हाँ, ये प्रोग्राम चला हुआ है आज गांव त्रैमड़ में। 31 दिसंबर का प्रोग्राम चला हुआ है। हाँ, ये बात है। और ऊपर ये लोग आटा गूंध रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये लोग आटा गूंध रहे हैं। ये देखिए बनी, हेलो करो, ऐसे करो, हेलो ऐसे। अभी मैं अदरक लहसुन की पेस्ट बना रहा हूँ। गांव में ये रहता है कि सारे लोग जो है वो हेल्प करवाने आ जाते हैं। गांव की औरतें मर्द जो भी घर पे होता है वो सारे काम करवाने के लिए आ जाते हैं साथ में। सारे लोग अपने काम में लगे हुए हैं। मैं भी उड़ रही हूँ। बोले मेरी बाल्टी है भी है ना? जिलम्मा बोल रही है। किड़ी बाल्टी, अच्छा। ये पकोड़ों के लिए आलू काटते हुए। ले। साथ में ब्लॉग भी बन रहा है। खाना लगभग तैयार हो गया है। अभी ये पकोड़े तल रहे हैं हम लोग, और उधर मटर पनीर डला हुआ है और उधर मिक्स वेज, और इधर पकोड़े ये निकल चुके हैं। चटनी है, पर और एक दही लाई पाना था, मैं तो वो कर रखे था। अभी रोटियों का काम हो रहा है। यहाँ पे रोटियाँ फ्राई हो रही है, और उधर जो है जो लोग फ्राई नहीं खाएंगे उनके लिए
चूल्हे में रोटियां वो कर रहे हैं, सेक रहे हैं। बड़ा बारे अंधेरा हो गया रे खिरा, कुछ लग रहा सोचना ना गाइस। अभी खाना तैयार हो चुका है, अभी खाना खाने के लिए जो है वो बिछा रहे हैं, यहाँ नीचे बैठने के लिए यहाँ आंगन में, और अंदर बिछाएंगे थोड़ी दरी वगैरह और फिर खाना खिलाएंगे। अभी सबको गांव वाले आ चुके हैं सारे, और रिश्तेदार भी रिलेटिव भी आ चुके हैं सारे लोग। ये देखते हैं गाइज। अभी लोकल संगीत चल रहा है, लोकल भजन कीर्तन चल रहा है, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा।
Thank you.
I'm not afraid.